नव्या, जीजी के सामने मुंह बंद ही रखना बेटा। वो जच्चा बच्चा को लेकर जो भी ज्ञान ध्यान दे ना, चुपचाप पी लेना। हाँ एकदम ठीक कह रही है मामी जी। मतई की बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है नव्या। वैसे भी हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं नव्या। तुम्हारा अम्मा जी का 36 का आंकड़ा जो है, अरे नहीं इंदु, अब तो जीजी खुश है नव्या से। खुशी की तो बात है, नव्या पोता जो दे रही है अम्मा जी को। हेलो, हाँ मधु, क्या? हे भगवान, नहीं तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जाती हूँ। हाँ कहा मम्मी जी, वो ध्रुव की ना तबीयत बहुत खराब हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। मधु मायके में यहाँ है नहीं। हाँ मैं आती हूँ। जल्दी। हाँ जी जल्दी। वो कहा है ना कि मधु के पिताजी गुजर गए हैं, तो इसलिए मधु और गौतम गए हैं कानपुर। बच्चा छोटा है ना, इसलिए उसे कुसुम के पास ही छोड़ के गए अकेला। हाँ डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आ रहे होंगे। तो परेशान मत हो, ठीक है? हाँ हमें लगा नव्या इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो हमने नाभि पे थोड़ी सी हींग लगा दी। हमें बहुत घबराहट। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आप परेशान मत हुई, अंकल गए ना डॉक्टर को लाने, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी सुनो ना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे नव्या मेरी बात सुनना, थोड़ी अर्जेंट बात करनी है बेटा। क्या बात है, बोलिए जल्दी बोलिए। वो तूने ऑनलाइन फॉर्म भरा था ना, तो बाल गृह एजेंसी से मीना गलियारिया वो आज आ जाएंगी तेरे घर। लड़की ना हमेशा घोड़े पर ही सवार रहती है, पता नहीं मेरी बात ठीक से सुनी भी कि नहीं। मैसेज कर देती हूँ। या मेहमानन के आवे का टाइम है गयो, तेरी बहू पड़ोसियन के जाके बैठ गई। जीजी वो कहे कि कुसुम के पोते की तबीयत बहुत खराब है ना, आती होगी। आप जी चक्के बताओ ना, ठीक है नमक? अरे जा तो बहुत ही टेस्टी बनो, आजकल को बनाना सिखा दियो। जीजी ले बाद में खाऊंगी। जी नव्या ने बनाया है कम तेल में, उसको बोलेंगे सिखाई दे आंचल को। अरे जी 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 जी, संजय जी का फोन आया, बात करो बात करो बात करो। राधे राधे बेटा। राधे राधे जी। कहाँ पहुँचे? बस पहुँच रहे हैं, वो ये बताने के लिए फोन किया था कि मम्मी जी तो मंदिर से सीधा आ जाएंगी, और मैं और आलोक आगरा बिजनेसमैन एसोसिएशन की मीटिंग खत्म कर पहुँचते हैं। कभी भी आओ, तुम आओ, घर है, हम आपके स्वागत को एकदम रेडी है। जी हाँ 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 संजय जी, हाँ बताइए। हाँ जी गाड़ी की पार्किंग, अरे गाड़ी की पार्किंग तो पिछली वाली गली में आप कहीं भी कर दीजिए। अरे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, आपको आलोक जी सबको समझा देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। राधे राधे। अरे लगता है आ गए। हाँ समझ गया, मैं आ गई। हाँ इंदू जी मां, आज तैयार है गई? जी मामी जी के कमरे में। हाँ तो तू जहाँ क्या कर रही है, जा भीतर जा, लिबा के ला। हाँ हाँ घर मिल गया है। आइए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आइए। हाँ जी आइए बहन जी। नमस्कार नमस्कार बहन जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मैं मुकुंद तिवारी। हमारे अहो भाग्य कि आप हमारे यहाँ पधारे। फोन आ गया था कि आप बस आने ही वाली हैं। ओ बिना बताए तो बात नहीं बनती ना। आप अंदर आइए, आप अंदर आइए, आइए ना, आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए। ये देखिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, सीवियर डिहाइड्रेशन है और बुखार भी बहुत तेज है। hey, क्या कर रही हैं बहन जी, कुछ तो। अरे एक ही लिया है अभी, अरे दो ना उनको। वैसे इन सब की क्या जरूरत थी, असल मुद्दा तो आप सबको जानना और समझना है। साड़ी तो बहुत ही माभूरी सी पैर की आई है, और गहना पहना तो कछु ना पहनो। हमें तो लगो तो हीरे मोती ते लदी फदी होगी। अब जी जी हाँ, हमने सुना है आजकल ना कम पहनने का फैशन है। हाँ? पर कान में जो मोती पहने हैं ना, दिखे कि सच्चे मोती हैं, बड़े महंगे होते हैं। चुप कर। वैसे घर में कितने लोग हैं? भरो पूरो कुनबा है हमाओ।
खाता पीता तो परिवार है, हम दादी हैं। हाँ। हमारे बारे में तो सुनो ही होगो, बंसी बारे की कृपा ते दो दो छोरे हैं, हाँ, उनकी लुगाइयां हैं, आंचल बड़े बारे की बेटी है। अच्छे डायरी में जो नोट कर रही है, हाँ, हमें तो जाकी ज्यादास्त कमजोर लग रही है। हाँ जी जी, हमें लगे है जी थोड़ी कजिनी है। वैसे वो कहाँ है जिससे हम मिलने आए हैं? इंदु, लालिया बुलाएला, जा बेटा। थैंक गॉड, टेम्परेचर काफी डाउन हो गया, अब सिर्फ 99। डॉक्टर साहब, आप एकदम सही समय पर आ गए। ध्रुव का डॉक्टर आगरा से बाहर गया। नहीं 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 बेबी, अब रोना नहीं है, अब सिर्फ सोना है। डॉक्टर आए, जादू की छड़ी घुमाई, रूप ठीक हो गया। क्या बात है, बीमार बच्चे को शांत करना कोई आपसे सीखे। एक अच्छी माँ बनोगी आप। जे भी पेट से है, गुड न्यूज सुनाने वाली है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो जी, आ गई जी लाली। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों ना है, बहुत है संस्कारी है हमारी बिटिया जी। फोटो में तो बहुत डिफरेंट लग रही है। जी वो कहा है कि अभी तैयार किया है ना, इसलिए उम्र में छोटी नहीं है। छोटी है तो का है गो। जिम्मेवार इनको संभालने के लिए एकदम रेडी हैगी। सबकी सहमति है ना? कमाल करे हैं आप, अगर सबकी सहमति ना होती तो आपको प्रस्ताव थोड़ी ना भिजवाते। अच्छे से सोच लीजिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बोल बेटा, बोल ना। जी हाँ जी, बोला। कछु ना हुआ, वो भाव विभोर हुई गई तो खुशी के आंसू। क्या मैं फादर से मिल सकती हूँ? जी माफ कीजिएगा, वो कहा है कि बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए, ना आ पाएंगे। ओह, बिजनेस है? पर मुझे तो बताया गया था कि वो बैंक में है। अरे बहन जी, आपको गलतफहमी हो रही है, बैंक में मेरा बेटा काम करता है, इनके वाले तो व्यापार में है, बहुत बड़ा व्यापार है, ऑल इंडिया लेवल का। अच्छा होता कि उनसे भी भेंट हो जाती। वो क्या है ना कि इस मामले में माता पिता दोनों की राय और सलाह लेनी पड़ती है। अरे वीआईपी आ गए हैं, स्वागत नहीं करेंगे क्या हमारा? अरे आलोक जी, आलोक जी। नमस्कार, नमस्कार संजय जी। अरे खुश रहो, खुश रहो, अरे खुश रहो, खुश रहो। भाई आइए, अंदर आइए ना। आप संजय की मम्मी है। मंदिर में देरी हो रही थी तो मैंने सोचा साथ में लेते चले। आंचल कहीं दिखाई नहीं दे रही? अरे बुआ जी, बुआ जी। हाँ जीते रहो, जीते रहो। आलोक बेटा, जे बहन जी हमारे होए वाली समधन है तो ये कौन है? जी मैं मीना गलेरिया, सोशल वर्कर, पालग्री एजेंसी से आई हूँ। पालग्री एजेंसी से? अडॉप्शन के होम स्टडी प्लान रिपोर्ट तैयार करने के लिए। आपने बच्चा अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई किया है ना? बिल्कुल नहीं। अरे आप छोड़िए ये सब बातें, बेकार की बातें। आलोक जी आइए, संजय जी आइए, आइए बहन जी, आप अंदर आइए। कहाँ खिला रहे हो इन सबको ये सब? ललन। हाँ कहा कह रही है, जो आइए। आप लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं ना, इसलिए तो आए हैं। गोद
बिल्कुल नहीं। बच्चा खोद ले हमारे दुश्मन, चल निकल यहाँ से। बंसी बारे की कृपा थे, हमारी बहू तो खुद ही पेट से है। फिर आपने बच्चा गोद लेने की अर्जी क्यों भरी? लगता है कोनो गलतफहमी हुई है। चंदा मांग बे कोट, नयो तरीको ढूंढो है का। जाओ यहाँ से। चले दीजिए, आइए आइए आइए। आप तमीज से बात कीजिए। मुझे यहाँ बुलाया गया है। सही बात है, मतलब उल्टो चोर कोतवाल को डांटे। और बात सुन ले, हमें जो भी दान दक्षिणा देनी होगा ना, वो हम डायरेक्ट अनाथालय में दे के आवे। मैं यहाँ चंदा मांगने के लिए नहीं आई हूँ, अडॉप्शन की प्रारंभिक कार्रवाई करने के लिए आई हूँ। अरे बाबरी, तेरी समझ में ना आ रही, हमारे यहाँ कोई ऑप्शन ना होवे। हम कबाऊ का दूसरे का खून अपने घर में ना लावे। बहन जी जाओ यहाँ से, कोई और दरवाजा खटखटाओ। अगर ऐसी सोच रखती हो तो अप्लाई क्यों किया? नव्या बेटा, अब तू घर जा। देख, पहले से इसकी ध्रुव की हालत भी अब एकदम ठीक लग रही है, वहां वरना सुमित्रा जी जो है ना, बखेड़ा खड़ा कर देगी। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ, कुछ भी होगा तो मुझे फोन कर देना। हाँ, हाँ। बाय बेबी। मीना आंटी घर पे पहुंच गई। हे भगवान, मम्मी जी पापा जी से बात नहीं की और बुआ जी घर पे। आदि वो सोशल वर्कर अडॉप्शन प्रोसेस के लिए घर पे पहुंच चुकी है, जल्दी चलो। आपको जरूर कोई गलत गलतफहमी नहीं हुई मुझे, मैं बिल्कुल सही पते पे आई हूँ, यही बुलाया गया था मुझे। अगर आप लोगों को यकीन ना हो ना, तो ये देखिए फॉर्म। रानी, तनिक हमें भी समझाए दियो। मीना आंटी, आप यहाँ अचानक? बोलिए, मैं देख रहा हूँ, मैं क्या है? नव्या, तुम जानत हो इनको? बोलो नव्या, अगर तुम इन्हें जानती हो तो बोलो, क्या कर रही हैं यहाँ पर? पापा जी, वो बाल गृह एजेंसी से है। हाँ, वो तो पता है, इन्होंने बताया। मैं मम्मी के ऑफिस में मिली थी। हमें तो तुम ये बताओ, जाए यहाँ किसने और चौ बुलाया? हाँ। बताइए ना आंटी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ अचानक? नमस्ते, मैं नव्या तिवारी का हस्बैंड। कैसे आना हुआ ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने बच्चा गोद लेने के लिए ऑनलाइन अर्जी भरी थी ना, होम स्टडीज के लिए आपने बाल गृह एजेंसी को चुना था, भूल गए आप? बच्चा गोद लेने की अर्जी? अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। ये आप रेफरेंस पे नाम देखिए, किसका लिखा है? अंजलि गुप्ता है ना? अरे तो अंजलि गुप्ता नव्या के स्कूल में टीचर है ना नव्या? नव्या, तुम्हें याद है उसने हमसे रेफरेंस लेटर मांगा था, क्योंकि उसे बच्चा अडॉप्ट करना था, उसे बस एक दोस्त का रेफरेंस चाहिए था बस। जी मम्मी जी। तो हमारा नाम छप गया और हमारी जगह उसका छप गया, बस नाम ऊपर नीचे हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो ये चक्कर है। हाँ। वही हम सोचे हैं, भाई हम बार बच्चे बारे लोग, हम बच्चा गोद चोलेंगे। सही बात है, हम किसी और के बच्चे को क्यों अपनाएंगे, समाज सेवक है क्या? सही कह रहे हैं ना बुआ जी? बिल्कुल सही बात है, नाम पता ऊपर नीचे हो बे थे, हमारी तो सांसे ऊपर नीचे है गई। कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ है, साफ साफ देखिए, साफ साफ शब्दों में लिखा है एड्रेस की जगह पे तिवारी एंड सन्स का एड्रेस।
दिखाइए सर। अरे अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, पता सही है, प्रिंट गलत हुआ है। नविया मैं कह रहा था ना सही टाइम पे आया बिल्कुल ना। अरे तुम अंजलि गुप्ता का एड्रेस दो ना यार। हाँ, आपके पास पेन है जी? मैं आपको नंबर एड्रेस सब दे देती हूँ, है ना? ये देखिए, ठीक है। एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। चलो जी बला टली, चलो चलो आओ, आओ। समधन जी और संजय बाबू कभी से अकेले बैठे। कितनी पिछड़ी सोच है तुम्हारे परिवार वालों की, और तुम बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रही हो। सॉरी आई कांट रेकमेंड योर नेम। वो मम्मी जी पापा जी से बात करने का मौका ही नहीं मिला, उसके पहले ही आप आ गए। तो बात करने से क्या होगा, उनकी सोच तो वही रहेगी ना। आप लोग बच्चे में नहीं बल्कि उसकी जात, उसके वंश और उसके खून के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। सॉरी अब ये नहीं होगा। मीना जी माफी चाहूंगा, वो अचानक से गेस्ट आ गए थे। हम मम्मी पापा से बात करके उनको समझाएंगे, मनाएंगे उनको। एक मौका दे दीजिए प्लीज। मैं इस बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। I promise you, उसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे हम। Please, I really want to adopt this child. Please. इच्छा रखने से इच्छा पूरी नहीं होती नव्या। क्या तुम अपने परिवार की गारंटी दे पाओगी? क्या बच्चे को उसकी बुआ, उसके दादा दादी, उसके चाचा चाची और उसके मामा मामी सच्चे दिल से अपना पाएंगे, या फिर उसकी जात और उसके इतिहास के बारे में ही खोजते रहोगे? सॉरी आई कांट हेल्प इट। मेरा आखिरी दरवाजा, ऐसे बंद मत कीजिए प्लीज। ये दरवाजा तुम्हारे लिए था ही नहीं। सॉरी मीना जी, अभी बात तो सुनिए। अरे एक एक मौका, एक हाथ दो बेटा, ये हमारे खानदानी कंगन है बेटा। आठ दस तोले के तो होंगे, आज से आप हमारी हुई। हंसी बारे ही कृपा थे हमारी आंचल बिचियों का भी रिश्ता पक्का है क्यों? सॉरी इंदु, तो साहब जीते रहो जीते रहो। और पापा जी मानते हैं ना अपने दामाद को? अरे क्यों नहीं, आपकी एक जिम्मेदारी से मैंने शादी कर ली और दूसरी जिम्मेदारी की भी मैंने ही फिक्स करवा दी। एक मिनट। हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ विक्रम भैया, ये पुलिस वाले थाने ले जा रहे हैं मुझे, बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं गाड़ी जमा करेंगे। मैं आता हूँ, तब तक तू एक काम कर, नाम निकाल उसका जिसने रपट लिखवाई। अरे भैया एक खड़ूस बुड्ढा, एक एक टुच्ची सी हेडलाइट के लिए कौन कंप्लेन करता है? संकीप बुड्ढा तू एक काम कर, घबरा मत ठीक है ना, और हाँ जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक कहीं भी साइन मत करियो। ठीक ठीक है भैया, चलो। इस बुड्ढे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जी क्षमा चाहता हूँ, बहुत ही जरूरी काम आन पड़ा है, जाना हूँ। अरे अब मैं आपको बताता हूँ, आप चलिए। अरे मैं चलता हूँ साथ में। हाँ जो भी हुआ निपटा लेंगे साथ। हाँ मामा जी क्षमा कीजिए। अरे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा, कोई बात नहीं। नमस्ते, चलता हूँ वापस। हाँ हाँ अरे कोई बात नहीं। बरगलाइए मत, जब बच्चा गोद लेने का रास्ता आपने उन्हें काहे दिखाया?
जब सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो बच्चा गोद लेने में क्या बुराई है? और दोनों अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए तरस रहे हैं, फिर आप और मैं भी तो यही चाहते हैं ना? हम और आप कहाँ चाहते हैं, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब लोगों की सोच का है, उससे फर्क पड़ता है। तो आप अपनी सोच को बदलिए पहले बहन जी। पूनम जी, आप दुनिया को जिस नजर से देखत है ना, हमारा परिवार ना ही देखत है। सुमित्रा जी की सोच को बदलना आसान नहीं है। अब आप चाहे हमें कायर कहे कि डरपोक, पर यही हमारे परिवार का सत्य है। तो आप अपनी इस पिछड़ी सोच की वजह से नव्या और आदि को माँ बाप बनने के सुख से वंचित रखेंगी, और ये सत्य कबूल है आपको? हमें केवल अपने बच्चों की शादी टूटना कबूलना है, और हम उनकी शादी बचाने की ही कोशिश में लगे हैं। शादी? आज सुमित्रा दीदी की पोती की जिस लड़के से शादी तय हुई है, उसने अपनी पहली बीवी को तलाक इसी खातिर दिया कि वो पांच थी, और हमारे घर में ये बात सबको ठीक लगा था। हमारे घर में केवल अपना खून चलेगा, केवल अपना खून अपनाया जाएगा। अब आप ही बताओ, हम जिस सोच बदले कि बच्चा गोद लेने का फैसला। घर में केवल अपना खून चलेगा, केवल अपना खून अपनाया जाएगा। अब आप ही बताओ, हम जिस सोच बदले कि बच्चा गोद लेने का फैसला।